तो फैबुलस स्वागत है आपका एक और फोर्ज़ा होराइज़न 5 के बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले वीडियो में। एंड लिटरली मैंने बहुत दिन बाद बेहतरीन बोला, वरना तो मैं पिछले एक महीने से आई थिंक इंटरेस्टिंग, खतरनाक, डेंजरस यही सब बोलते आ रहा हूँ। मैं ठंडी में बेहतरीन बोला करता था यार, ठंडी बहुत अच्छी लगती है मेरे को विंटर्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार मैं तो फोर्ज़ा होराइज़न अभी खेलने वाला नहीं था, लेकिन आप में से फैमिली मेम्बर ने मुझे बोला कि यार खेल लो ब्रो, बहुत दिन हो गया आपने फोर्ज़ा होराइज़न नहीं डाला। 5 कुछ अच्छा खासा रिस्पांस आता नहीं है यार फोर्ज़ा होराइज़न पे, बट अगर आप लोगों ने बोल ही दिया तो मेरे को खेलना तो पड़ेगा ही। चलो कभी कभी यार इतनी भी सेल्फिश नहीं बना जाता कि अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में आदमी भूल ही जाए, बिकॉज यार आप ही से तो हम लोग हैं। एंड ठीक है, तो चलो सबकी बात माननी चाहिए। अभी तो यार मैं जा रहा हूँ, थोड़ी सी रेस वगैरह करूँगा। एंड आज मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कार चलाने वाला हूँ, लाइक अ जीप ओपन रूफ, जो कि आप जानते हो जो हमारे इंडियन आर्मी वगैरह जो वॉर होती है उनमें वो जो जीप रहती है ना, जो ओपन रूफ रहती है, वो वाली मैं चलाने वाला हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, अभी तो मैं यार कुछ चीज़ें भूल गया हूँ कि मैं कार, ओके माय कार्स में नहीं, ये वाली कार तो मैं नहीं चलाने वाला। एंड एयर आई थिंक ये जो फोटो बनी हुई है मैक्लारेन, बहुत इंटरेस्टिंग कार लगती है मेरे को। कस्टमाइज कैरेक्टर नहीं यार, मेरे को अपने कहाँ से कार लेते हैं यार। ओके, ऑटो शो बाय न्यू कार्स, ओके शायद इसमें होगा, तो मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ, देखता हूँ, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे बहुत सारी कार आ गई हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी कार्स हैं। ये एक बगी टाइप लग रही है कोई देखने में। एंड यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, ओके ये रही वो जो जीप है, रुको ये रही इसका नाम जो विली है, MB जीप 1945 विली, बहुत इंटरेस्टिंग जीप है और मैं आज उसी को चलाने वाला हूँ। तो जो कलर वगैरह है वो तो भाई यही रहने वाला है, बिकॉज यू नो ये कलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसी में चलाने वाला हूँ एंड आई लाइक इट पर्सनली। तो यहाँ पे अब मैंने इस कार को भाई परचेज कर लिया एंड अब ये मेरी कार हो चुकी है, मैंने उसको ऑन कर दिया। अब मैं यार इसको लेके जाने वाला हूँ रेस ट्रैक पे। अभी तो मैं रेस इससे नहीं करूँगा, बस मैं इससे घूमूंगा थोड़ा, एंड रेस तो होती है भाई सुपर कार से, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने भाई इसको परचेज कर लिया, आप इसकी थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक्स देख सकते हो। ओ हो, क्या इंटरेस्टिंग लग रही है, बढ़िया। चलो अपनी कार निकल चुकी है ट्रैक पे, अभी यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन चली है, 1 2 3 ओके लेट्स गो। और यहाँ पे यार पीछे फ्यूल टैंक एंड यहाँ पे जो पीछे टायर लगा हुआ है बहुत मस्त है। होराइज़न फेस्टिवल मैक्सिको, ओके यार तो चलो मैक्सिको में इस समय हम यहाँ पे हैं। एंड कितना ज़्यादा क्राउड है यार, कितने लोग आए हैं, मतलब इस फेस्टिवल में कितने लोग आए हुए हैं। वैसे तो यार मुझे नहीं मालूम, आई थिंक ये जो फेस्टिवल होता है होराइज़न फेस्टिवल, ये गेम में हमेशा रहता है। और यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करता हूँ एंड फिर हम सेट करते हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, गो टू होम, कस्टमाइज योर कार एंड हॉट व्हील्स मैप। एंड मैं किसी दिन हॉट व्हील भी खेलने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा फुल हॉट व्हील खेलने में। तो यहाँ पे अभी तो अरे फोर्ज़ा होराइज़न में होता है ना कि हम गैरेजेस ढूंढते हैं, उसमें कार्स ढूंढते हैं, तो वो वाला भी मज़ा करेंगे हम। तो अभी तो वो मेरा अनलॉक नहीं है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ, थोड़ा यहाँ पे कुछ नया नया इवेंट खुले हुए हैं, तो नए नए इवेंट्स पे चलते हैं। हाँ, इसमें फाइंड द गैरेज वाला भी सिस्टम होता है जिसमें हमको नई नई कार्स मिलती है। तो फाइनली अभी यार मैंने जो रूट है वो सेलेक्ट कर लिया, मुझे कहाँ पे जाना है, एक एरोप्लेन टाइप एक साइन बनाया, तो उस इवेंट पे हम जाने वाले हैं। तो अभी तो मैं अपनी यहाँ पे जी, अरे भाई क्यों ठोक रहे हो, अबे क्या है यार यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं छोड़ो यार फाइनली चलते हैं सामने की तरफ। एंड यहाँ पे ओके, अरे अरे भाई यार इवेंट क्यों, अरे अपने आप ही पीछे आ रहा है। ओके, मैंने गलती से वाई क्लिक कर दिया था जिसकी वजह से ये हो रहा है। एंड मैं भी आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को पसीने हो रहे हैं यहाँ पे। अरे यार पहले तो जब फ़ैन चलता है या फिर कुछ भी चलता है मेरे घर पे तो उसकी आवाज़ आती है वीडियो में, जिसकी वजह से यार मेरे को जो फ़ैन वगैरह सब बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही थी, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लग रही है, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। अभी देखो अभी मैंने 3 ही मिनट की वीडियो बनाई, अभी तो यार मेरे को लंबी वीडियो बनानी है। अरे भाई मत ठोको यार, खुद ऐसे हालत ख़राब है। चलो यार फैमिली कोई बात नहीं, अब निकलते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। एंड यहाँ पे यार अरे फिर से एक बार हो गया, अरे भाई गलती से हो रहा है मेरे साथ, रुको रुको रुको, ओके ओके अब नहीं होगा मेरे से, मैं अब पूरा ध्यान रखूँगा, इतना पसीना हो रहा है ना कि समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो अभी तो मैं चलो ठीक है फास्ट निकलते हैं यहाँ से। एंड यार इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है जीप की एंड आई रियली लाइक इट। तो यहाँ पे यार एक रोड जा रहा है ऑफ रोड वाला, तो मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ी कुछ ऑफ रोडिंग भी करते हैं यार, बिकॉज यार जब अपने पास जीप है मस्त सी, तो मैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी तो बनती है कि नहीं। तो ओके बढ़िया, ओके यार और सामने से भी कार्स आ रही हैं एंड कितनी धीरे जा रही है वो वाली कार, इससे अच्छी तो मेरी जीप ही जा रही है। तो चलो ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, मुझे अपने अभी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। एंड तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से, सॉरी फैमिली,
तो साबिक तरफ निकल लेते हैं एंड मैं इसी रोड से जाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार मेरे को इस कार को चलाने में, पर्सनली बता रहा हूँ यार। मैंने सोचा नहीं था कि जो जीप है इतनी मस्त होने वाली है मेरे लिए। ओके ओके ओके, अरे एक मिनट, मेरे को ब्रेक लगाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, फ्लो फ्लो में हो जाता है कभी कभी। तो चलो सामने चलते हैं। एंड यार कार यहाँ क्यों रुकी है, इसने आके ठोक दिया इस बंदे ने। कोई बात नहीं, चलो यार सारे लोग अच्छे ड्राइवर नहीं होते मेरे जैसे, मजाक कर रहा हूँ मैं तो, और भी घटिया हूँ। ओके चलो सामने की तरफ चलते हैं यहाँ पे। एंड ये आई थिंक कोई रेगिस्तान टाइप इलाका है, बहुत ज़्यादा सूखा है। रेगिस्तान भी नहीं है यार ये, रेगिस्तान ऐसा नहीं होता, या हो सकता है रेगिस्तान ही है ये। लेकिन यहाँ पे कैक्टस तो बहुत सारे हैं। एंड सामने वाला जो ब्रिज, यहाँ पे हमने रेसेस की हुई हैं पहले। एंड ठीक है चलो, अरे अरे रुक जाओ, अरे भाई 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 ठूक रही है कार, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है मेरे। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो फैमिली मैं आपसे उधर पहुँच के मिलता हूँ। फैमिली अभी तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ था, बट यार ये बहुत ही अच्छा सा कोई इलाका आ चुका है टाउन। एंड यार बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, देखो यहाँ पे क्रिसमस थीम पे सजावट की हुई है यहाँ पे। मेरे को पर्सनली क्रिसमस बहुत पसंद है बचपन से ही, एंड यहाँ पे सजावटें तो बहुत अच्छी एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एरिया है। और ओके घर भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं। अरे अरे रुक जाओ ठूक जाएंगे। एंड मैं थोड़ी भाई इधर एक्सप्लोर करने वाला हूँ धीरे आराम आराम से, आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा यहाँ पे, आप लोग भी देख लो। ओके यहाँ पे घर में तो नहीं घुस सकते हम, क्या ही ज़बरदस्त एरिया है। ओके फैमिली तो मैं फिर से आप फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अरे मेरी जैसी जीप यहाँ भी जा रही है, अरे भाई अरे मेरे लोग को मैं भी आ रहा हूँ, मेरे से रेस करोगे, मैं आ रहा हूँ जाओ। अच्छा मैं अपने डेस्टिनेशन पर तो आ गया। ओके चलो मैं अभी इधर से भाई स्टार्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ इवेंट में। एंड सोलो जाने वाले हैं अभी, मेरे पास सोलो ही है तो ठीक है। अब मैं कोई कार चूज़ करता हूँ जिससे हम जा पाएंगे, देखते हैं ऑप्शन आता। अरे ऑप्शन नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, कार चूज़ करने का ऑप्शन तो इनको देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इन्होंने जो दे दिया उसी में हम खुश रहेंगे। एंड चलो तो मैं अब ओके मेरी कार यहाँ से उतर रही है, बस कोई बढ़िया सी कार हमको मिल जाए जो कि भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए उसको चला के। देखते हैं ये कौन सी कार हमको देने वाले हैं। यहाँ पर लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है ब्लैक ब्लैक। ओके यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अरे भाई ये तो वो वाली कार है, मैंने इसको चलाया है भैया, ये टोयोटा की किसकी है कार, अच्छी है वैसे, ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा करती है, बट मैंने इसको चलाया हुआ है, मेरे को इतना तो याद है मेरे को। चलो यार चलते हैं यहाँ से। एंड टोयोटा की है, देख रहे हो टोयोटा की है, नहीं फोर्ड की है भाई, फोर्ड की आई थिंक, अब नहीं मालूम यार इस पर कहीं कहीं पे आई थिंक टोयोटा लिखा हुआ है, कहीं फोर्ड लिखा हुआ, नहीं फोर्ड ही की होगी। चलो तो मैं इधर से निकलता हूँ अभी, फिर लेट्स गो। एंड सामने अपनी एरोप्लेन जा रही है एंड पीछे मैं जा रहा हूँ, रेस करें क्या इससे? ओके नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, निकल तो पाएंगे नहीं बिकॉज यार कितनी भी भाई ये प्लेन है एंड ये कार है, तो भाई जहाँ तो स्पीड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड सही में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारी कार ज़मीन पर एंड जो ये प्लेन है ये आसमान में। अरे भाई इसका पायलट क्या ही खतरनाक चला रहा है। ओके भाई मज़ा आ गया यहाँ पे फुल। चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं ड्राइव बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ पहले के मुकाबले मेरी जो ड्राइविंग स्किल है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा घटिया चलाता था, बट नाउ आई एम फिक्स्ड। और यहाँ पे एक मिनट, अरे 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 ठुकना, अरे पलटना मत। ओके ओके ये भाई ये निशानी होती है एक बेहतरीन ड्राइवर की जो कि मैं हूँ। एंड ये क्या हुआ, अच्छा चेक पॉइंट मिस हो गया था। ओके ये भी एक अच्छे ड्राइवर की निशानी होती है कि वो चेक पॉइंट मिस करता है। कोई बात नहीं फैमिली अब आगे बढ़ते हैं सामने की तरफ। एंड ओके रुक जाओ, एक और चेक पॉइंट, इस बार तो ये मिस नहीं हुआ। एंड यार ये जो जगह होती है ना बहुत ज़्यादा मस्त लगती है वाली जो जगह, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी। एंड यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं यार, ऐसे लगती है खेती होती है यहाँ पे एंड फार्म टाइप है। और देखो यहाँ पे टंकी भी रखी हुई थी पानी वाली जो कि, लो भाई एक और चेक पॉइंट मिस हो गया मुझसे, बट कोई बात नहीं है, तो मिस होता रहता है यार हमसे बहुत दिनों से हो रहा है ऐसा। और यहाँ पे बहुत सारे यार लोग आए हुए हैं ऐसे चेयर अप कर रहे हैं हमको, कोई बात नहीं। चलो 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 ओके ओके बच गए, मैंने सोचा इस बार फिर चेक पॉइंट मिस हो गया, वैसे तो यार होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है मेरे से। ओके ओके ओके, अरे भाई किधर आ रही कार मेरी, रुको रुको, अरे भाई फिर टूट गई, अरे ये तो टूटना चाहिए यार, वो इतने भारी भारी चीज़ें तोड़ देती है, टायर नहीं तोड़ पा रहे भाई, इसको तो फेंक देना चाहिए भाई। कभी कभी फोर्ज़ा होराइज़न में देखो बहुत जो चीज़ें लगेंगी टूटने लायक है ही नहीं, वो टूट जाएंगे, एंड जो लगती है कि टूट जानी चाहिए भाई वो टूटेंगे नहीं, बट कोई बात नहीं रहने देते हैं अभी। एंड सामने चलते यार, अभी तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं यार, यहाँ पे खुला रोड मिले तो मज़ा है कार को भगाने में सीधा स्ट्रेट, बस बात यहाँ पे ये भाई हाईवे जल्दी मिलता ही नहीं है इतना भाई, स्ट्रेट रोड रोड मिलता जो पूरा स्ट्रेट रहता भाई मज़ा आता, बट कोई बात नहीं। चलो
सामने की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई, पूरा टर्न ही टर्न यहाँ पे, देखो इतने सारे टर्न है, बट कोई बात नहीं, चलो 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 चलो। और यार अभी आप लोग कहते रहे हो तो मैं यार वीडियो बना देता हूँ फोर्ज़ा होराइज़न पे, बट यार मेरे को उतना मन नहीं करता बिकॉज इसमें व्यूज़ उतने जाते नहीं एंड रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा नहीं आता, बस मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स देखते हैं तो मैं उनके लिए बना देता हूँ। चलो यहाँ पे एंड GTA 5 ख़त्म होने वाली है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से उसको ख़त्म ही कर देते हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे धीरे धीरे इवनिंग हो रही है। और लो यहाँ पे भाई वो वाले रोड्स आ गए जो अपने ब्रिक के बने होते, जो स्टोन रोड होते हैं भाई यूरोप में, आप जानते हो भाई ऐसे रोड बहुत चलते हैं, तो चलो यहाँ से चलते हैं। ये भाई जान होते आप इटली वगैरह चल जाओ तो भाई वहाँ पे यार ऐसे रोड आपको बहुत सारे मिलेंगे, स्टोन रोड जो कि बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं, मेरे को ये पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। रुको यहाँ पे चलते हैं। यार मेरा सपना है कि अगर मेरा ये चैनल कभी कुछ होता है ना तो यार मैं एक व्लॉगिंग का चैनल खोल के यार घूमने जाएँ हम, कि नहीं मज़ा आएगा फुल। एंड ओके रुको रुको इधर से सामने से चलते हैं, इधर से मैं एक टर्न लेता हूँ एंड फिर उसके बाद एक लेफ्ट लेता हूँ। अरे अरे आराम से, अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और एक ग्राफिक्स देख तो इस गेम की यार बहुत अच्छी लगती है, इस गेम की ग्राफिक्स मेरे को लगता है ना सारे गेम से अच्छी इस गेम की ग्राफिक्स है, देख रहे हो कितने मस्त लगती है इसकी ग्राफिक्स नीचे यार पूरा मस्त, मुझे मज़ा आ जाता भाई इसको देख के। एंड अगर मेरे पास स्टीयरिंग व्हील होती तो कितना मज़ा आता मैं सोच भी नहीं सकता। रुको 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 रुको, अरे यार एक बार तो मुड़ जाओ यार बिना ठुके हुए, एक बार मुड़ जाओ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है फैमिली इतना चलता रहता है अपना। एंड अभी चलो अब GTA 5 जो है ना उसका एक मिशन है, उसका नाम है बिग स्कोर भाई, उसी को करना है, बहुत ही ज़्यादा मस्त सा मिशन है वो, और उसमें हमें चोरी वगैरह करनी होगी। तो रुको 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 रुको, ओके इधर चलो और सामने की तरफ बस इधर से मेरे को, ओहो इस बार अच्छे से मुड़ गया अपनी कार, बहुत बढ़िया भाई इस बार अच्छे से मुड़ गया, नहीं तो हर बार मेरी ठुकी रहेगी। ओके चलो यार ये घर बहुत अच्छे से आ रहे हैं। एंड यार चिकी में देखते हो यहाँ पे क्या होता रहता है भाई, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें ऐसे देखते भाई, जूम आउट जूम इन हो रही है, अरे बहुत ख़राब लगता है भाई इतना तो। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे करो, ओके चलो 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 सामने चलते यार। एंड बस ये जो स्टोन वाले रोड है यार मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो जाए ना इन पर कार चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। चलो यार आ गए अपने मेन रोड आ गए यहाँ पे, मेन रोड क्या ऐसे सिंगल लेन रोड है, नहीं डबल लेन है, चलो 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 चलो। और यार यहाँ पे हरियाली देख रहे हो कितनी मस्त है, ओके ये वाला रोड भी अच्छा है, मस्त लग रहा है मेरे को देखने में, ये वाली साइड भी बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पे हरियाली, अरे लो भाई फिर एक चेक पॉइंट मिस हो गया, अब क्या होता है यार मेरे को फिर से दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे। लो फैमिली मैं फिर से यहाँ पे आ गया एंड चेक पॉइंट फिर से मेरा मिस हो गया, तो मेरे को फिर से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा, बट कोई बात नहीं सामने चलते हैं यहाँ पे। और जो कार है भाई इसके पीछे देख रहे हो मॉन्स्टर बना हुआ, मॉन्स्टर का जो साइन होता है यार क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। एंड ये फोर्ड की कार है जो कि अच्छी है, मेरे को उतनी खास तो लगी नहीं बट अच्छी है, ठीक है कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे मैंने सुपरा वगैरह चला रखी है, सुपरा में मज़ा आता भाई, सुपरा को जो उसकी आवाज़ जो है ना ग्लूम ग्लूम जो करती भाई पट पट पटाखे छोड़ती भाई, सुपरा में मज़ा आता है फुल बता रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ। टोयोटा ने कार तो बनाई है भाई मस्त एकदम, वो सुपरा में जो फील है भाई मैं बता रहा हूँ किसी कार में नहीं जल्दी। ओके फिर मेरा एक चेक पॉइंट मिस हो गया गलती से, मैंने यार शॉर्टकट के चक्कर में चेक पॉइंट मिस कर देता हूँ, मेरी एक गंदी आदत है, बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, मैं सोचता हूँ कि मैं शॉर्टकट लूँ एंड उसी के चक्कर में मेरा जो चेक पॉइंट है वो सारे मिस हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो रोड है भाई इसकी जो बगल बगल में ट्रीज है ये कितने अच्छे लग रहे हैं, जो वेदर है भाई वो कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, एंड जो धूप की जो रोशनी आ रही है वो भाई जो रोड पे पड़ रही है ना जो साइन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड तो सनसेट होने वाला है और देख रहे भाई सूरज कितना ज़्यादा रियल है भाई, ये जो क्लाउड्स हैं एंड जो सन है भाई कितना मस्त है यार, मतलब मैं बता रहा हूँ इस गेम के ग्राफिक्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। एंड लो यार ये कार इतनी ठुक जा रही है ना बताओ, दिमाग ख़राब हो जा रहा है मेरा, कोई बात नहीं भाई स्टीयरिंग व्हील की याद आती है। मैं तो बताऊँ अगर आप कभी भी फोर्ज़ा होराइज़न PC में खेलना चाहोगे तो भाई आप स्टीयरिंग व्हील थोड़ा स्पेशल आके खरीद लेना, बहुत मज़ा आएगा आपको, मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, वैसे मैंने कभी खेला नहीं है ये तभी बता देता हूँ मैं। चलो ठीक है सामने चलते हैं यहाँ से, एंड बस अपनी जो रेस है वो शायद ख़त्म ही होने वाली है भाई, कितना ये पोजिशन 3 पे हूँ। ओके ओके चलो 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 चलो, ये लैप वाइज होता है ना तो ये आई थिंक 3rd लैप था, और यहाँ पे भाई रेस अपनी ख़त्म होने वाली है। एंड अभी मैं पोजीशन 3 पे यार कोई तो है यहाँ पे, ओके रुको देखते भाई कितने नंबर पे हम आते हैं यहाँ पे। अरे 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 ओके इसी तरह पास हो गया, यहाँ पे घिसटते घिसटते एंड यहाँ पे फिर अच्छा 2nd आया हूँ मैं, चलो इस बार तो अच्छा हुआ मैं 2nd आया हूँ, नहीं तो आपको मालूम होगा मैं पहले रेसों में भाई 12th पे आता था, 11th पोजीशन पे आता था, बड़ी घटिया पोजीशन थी मेरी, इस बार मैं 2nd आया हूँ। एंड ओके मैं विनर भी भाई, स्टंट टीम मैं विनर हूँ इस बार, ओके भाई भाई मस्त मज़ा आ गया। एंड यहाँ पे हॉरिजन व्हील स्पिन, ओके भाई कुछ कोई मस्त सी कार निकल जाए यार, अरे ओ, क्या यार ये क्या मतलब करेंसी निकली हुई तो कार नहीं निकल सकती मेरे लिए यार, मैं
छोड़ो क्या कर सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे अब देखते हैं दूसरी रेस स्टार्ट करते हैं किसके साथ। अब मैं रेस नहीं करने वाला, अब मैं सोच रहा थोड़ी सी कार वगैरह चलाते हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला वहाँ पे। तो मेरी जो जीप है इसको थोड़ा सा भगाते हैं यहाँ पे। ओके भाई, फुल वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुई थी भाई उसकी फील दे रही मेरे को। एंड पहले जो BGMI पबजी है भाई उसमें भी कुछ ऐसी जीप हुआ करती थी, मान लो फुल ऐसी नहीं थी लेकिन वो भी अच्छी थी। एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैं सोच रहा हूँ ये जीप है इसको बदल देता हूँ एंड कोई दूसरी कार चलाते हैं। फब सरप्राइज, देखो इस बार मैं चला रहा हूँ। अच्छा गेस करो कौन सी कार है बताओ मेरे को। अच्छा आपको फुल ऑनेस्टी के साथ आपको बताना है ठीक है। मैं थ्री तक काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ, पोर्शे है यार, मस्त कार है अपनी, जानते हो पोर्शे। चलो आप पे चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा तेज भग रही है, कंट्रोल भी नहीं हो रही। अरे अरे भाई इसका जो इंजन साउंड है यार कितना ज़्यादा साइलेंट, मतलब मस्त है। ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्ला चला रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भाई कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ, कोई ऐसे फ्यूल या वाली नहीं चला रहा मैं जो कि पेट्रोल वगैरह से चले। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट चलते हैं। अब मैं तो उसी तरह चला रहा हूँ, अब थोड़े से मैं बटन्स लेता हूँ कि देखूँ बटन्स में कैसे चलती है। बटन्स में ट्राई करते हैं। अरे भाई बहुत घटिया चल रही है, बटन्स तो उसके और ख़राब है भाई, आप बटन से मत चलाना। मैंने एक दिन सोचा कि अच्छी चलेगी बट यार ये बहुत घटिया भाई। अपने मैं अपनी जॉयस्टिक की ठीक है, एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ हो सके अच्छा चले। नहीं नहीं भाई नहीं, मस्त चल रही, नहीं मज़ा आ रहा भाई इससे, एकदम मज़ा ही नहीं आ रहा मेरे को। छोड़ो हटाओ इसको, मैं भाई अपनी जॉयस्टिक लेके आने वाला हूँ। और इससे भाई जो मज़ा आ रहा है ना जॉयस्टिक से, देख लो कंट्रोलिंग अच्छी होती है मेरे से जॉयस्टिक से, बिकॉज मैंने GTA 5 भी खेल रखी है फुल सीरीज़। अरे मेरे को विश्वास नहीं होता यार मैं GTA 5 मोबाइल में कंप्लीट करने वाला हूँ यार। देखो कितनी बड़ी बात है, देख लो कितने लोग जल्दी PC में उसको कंप्लीट नहीं करना चाहते। इतना बड़ा गेम है, लगभग 16 घंटे गेम है, उतना भी बड़ा नहीं, उससे बड़े बड़े गेम आ चुके हैं लाइक RDR जैसे गेम आप देख सकते हो 50-50 घंटे से भी ज़्यादा के, या फिर 50 घंटे के आसपास हैं। और ठीक है यहाँ से चलते हैं। पोर्शे भाई मस्त कार है वैसे, लेकिन इसकी मैंने हालत बिगाड़ दी बिकॉज अपने हाथ में जो गाड़ी आनी है भाई उसकी हालत बिगड़नी है। चलो यहाँ पे ऐड, रुको 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 रुको, अरे भाई क्या ही हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे थोड़ी सी गेम अटक गई। अरे ठीक है, वैसे भी ये वॉल्स तो नहीं तोड़ पाती, इतनी भी मजबूत कार नहीं होती है भाई सुपर कार्स की, वो वॉल्स तोड़ने ये तो बस कहने की बात है। गेम्स में ये जो हमारे जो बैरिकेड्स तोड़ पा रही है ना, ये भी जल्दी नहीं तोड़, मतलब तोड़ देंगी लेकिन इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो कितने आराम से तोड़ दे रहे, जैसे हलवा हुआ है यहाँ पे। हाँ बट कोई बात है, चलो यहाँ से लेते हैं स्ट्रेट चलते हैं। मैं भाई वापस नहीं जाने वाला, मैंने पहले मूड बनाया था चल के थोड़ा सा रेस वगैरह करेंगे, बट अभी मेरा मूड कर रहा है कि मैं भाई इस कार को चलाऊं। एंड यार अभी मैंने क्या ही मस्त टर्न किया यहाँ पे, एंड अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके 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 ओके, अरे भाई रुक जाओ 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 भाई, एक बार बैलेंस बिगड़ा तो फिर भाई बनने का नाम नहीं लेता जल्दी, एंड बैलेंस बिगड़ता ही जाता है यहाँ पे। रुको इस बात में इसी रेगिस्तान में चलाने वाला हूँ, रुक जाओ। बहुत सारे पेड़ हो गए हैं, बंजर ज़मीन पूरी पड़ी हुई है यहाँ पे, रोड बहुत दूर है तो मैं स्ट्रेट लेके जाके वो जो पतला वाला रोड है ना उधर ही मिलाने वाला हूँ। रुको चलो 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 इस बार। ओके मैं पास में आ ही चुका हूँ। ऐड आप पहली बार देख रहे हो कोई सुपर कार भाई किधर चल रही है, अरे क्या हुआ भाई इसको। लो भाई मेरी कार फंस गया पे, रुको मैं थोड़ी ट्राई करता हूँ कि बाहर निकल जाए। अरे आ जाओ भाई बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, अरे क्या हो रहा है भाई इसके साथ। अरे आ जाओ, अच्छा मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके देखता हूँ। चलो चलो फाइनली निकल गई, फाइनली अपनी कार जो है निकल चुके हैं यहाँ पे। एंड चलो अच्छी बात है भाई, निकलना ज़रूरी है। एंड चलो सामने चलते हैं यहाँ पे, रोड आ जाए बस एक बार, मैं फिर से भागने की कोशिश करूँगा ट्राई करूँगा। ओके ओके आराम से टर्न लेते हैं। लो भाई आराम से, मतलब भाई तब भी अपनी कार जाने वाली है खेत में। और रुक जाओ, अरे यार बहुत ज़्यादा परेशान किया मेरे को पोर्शे ने, या फिर मैं पोर्शे को परेशान करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। जो यहाँ पे रोड तो आया, थोड़ा सा रोड मिला मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं मैं दूसरी कार चलाने वाला हुआ। तो फिर आप यहाँ पे एक कोई सुपर कार है, इसका नाम तो मेरे को नहीं मालूम लेकिन ये भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को। स्टार्टिंग में मैंने इसको चला रखा था जब मैंने गेम स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट किया था, तो ठीक है इसकी कंट्रोलिंग अच्छी है। वैसे तो मुझे पर्सनली इसकी कंट्रोलिंग बहुत अच्छी लगती है, सबसे अच्छी इसकी कंट्रोलिंग आप देख सकते हो। एंड वो जो जीप थी भाई उसकी कंट्रोलिंग और भी अच्छी थी। चलो ठीक है, तो फैमिली आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।